बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हसन किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ी डिस्क। एक बाउल के अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल, इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1/3 टीस्पून चाट मसाला, 1/3 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम काला नमक, 1/3 टीस्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीज़ें कर ली हैं मिक्स, इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। एक बोनलेस चिकन का पीस मैंने लिया था जिसे मैंने क्यूब्स में काट कर उसे बॉईल कर लिया है, वो भी डाल देंगे हम मसाले के अंदर। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा चेडर चीज़ क्यूब्स में कटा हुआ, क्यूब्स में कटी हुई डाल देंगे इसके अंदर शिमला मिर्च और चॉप की हुई इसके अंदर डाल देंगे हम प्याज और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे एक ब्रेड का स्लाइस और इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। और एक गिलास की मदद से भी इसको बीच में से कट कर लेंगे। अब सारी ब्रेड को मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ब्रेड पर लगाने के लिए सबसे पहले हम कर लेंगे सॉस तैयार। इसके लिए मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, 2 टेबलस्पून मैंने लिए मायो, उसके अंदर मैंने डाल दिए 1/4 टीस्पून इसमें डाल दूँगी मस्टर्ड सॉस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग ट्रे पर मैंने पहले ही ऑयल लगा कर इसे ग्रीस करके रख लिया। अब लेंगे हम एक ब्रेड का स्लाइस, इसके ऊपर लगा देंगे जो हमने अभी सॉस बनाई है। इसके ऊपर हम रख देंगे इसको, इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन जो हमने तैयार करके रखा था। बिस्मिल्लाह, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी चेडर चीज़। अब मैं सारे चीज़ी डिस्क इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर, मैंने अपने ओवन को 100 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है। अब 100 डिग्री पर ही मैं 5 मिनट के लिए टाइमर लगाऊंगी और इसे बेक कर लूँगी ताकि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए। हमारे चिकन चीज़ी डिस्क हो गए हैं तैयार, इसको कर लेंगे हम डिश आउट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।